हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्डबोर्ड का डोम किस तरह से बनाते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह का एक सर्कुलर पीस काट लेना है। एक कार्डबोर्ड का काटना है और दूसरा माउंट बोर्ड का काटना है। आप चाहो तो दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों यूज़ किए। और जैसे ही आप इस तरह से काटोगे, अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा ऑफसेट रखना है और ऊपर की तरफ आपको माउंट बोर्ड चिपका देना है। आप चाहो तो डायरेक्टली कार्डबोर्ड को भी टेक्सचर पेपर चिपका सकते हो। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे माउंट बोर्ड यूज़ किया है, क्योंकि मैंने डोम ऑफ रॉक के हिसाब से बनाया। कार्डबोर्ड को माउंट बोर्ड ऊपर की तरफ चिपकाने के बाद अंदर की तरफ थोड़ा सा ऑफसेट बचता है और उसकी वजह से हमको डोम प्लेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एक बार इस तरह से सर्कल काटने के बाद आपको इस तरह से टेक्सचर पेपर अप्लाई करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली सर्कल को भी यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पे टेक्सचर की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने इस वाले मेथड को यूज़ किया। एक बार आप टेक्सचर पेपर अप्लाई करते हो या फिर पेंट यूज़ करते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, आपको जो बाहर का हिस्सा है उसको काट देना। मैं आपको प्रेफर करूँगा यहाँ पर पेंट का इस्तेमाल ना करें। आप चाहो तो टेक्सचर पेपर यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर पेपर में काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है और काफ़ी नीटली आपका मॉडल रेडी हो सकता है। एक बार इस तरह से रेडी होने के बाद आपका जो बाहरी हिस्सा है उसको निकाल दें। उसके बाद आपका डोम का बेसिक शेप बनाना है 2D में और उसको काट देना है। जबकि हमारा डोम का हिस्सा जो है अंदर की तरफ से होलो रहेगा और बाहर से हमने बनाना है, तो उसके लिए हमको अंदर की तरफ का हिस्सा होलो करना है और इसको इस शेप को जो है अंदर का हिस्सा निकाल देना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसेट लिया है। एक बार आपने इस तरह से मार्क कर लिया, उसके बाद आपको आराम से इसको काट देना है। काटने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि आप अनइवन ना काटें, ताकि आपका डोम का जो बेसिक शेप रहता है वो चेंज ना हो जाए। तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप दूसरे मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वाले मेथड में आपका डोम जो है अंदर की तरफ से होलो दिखेगा। एक बार आपने इस तरह से फाइनल किया, सर्कल पर आप चार पॉइंट्स कर लीजिए चारों तरफ पे और इसको इस तरह से चिपका दें। उसके बाद इसको जो हमने अभी डोम का 2D शेप बनाया था उसको हाफ कर लें और उस तरह से आपको उस चारों पॉइंट्स पे चिपका दें। एक बार इस तरह से चिपकाने के बाद इस तरह के हाफ आपको 24 पीसेस चिपका देने हैं, या 24। आप ज़्यादा से ज़्यादा चिपकाओगे तो आपका जो डोम का शेप रहेगा उससे भी ज़्यादा फिनिशिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 24 पीसेस चिपकाए हैं ताकि मेरे डोम का जो हिस्सा है वो आराम से दिख जाए। इस तरह से आपको एक एक करके सारे तरफ से आपको इस तरह से पीसेस लगाने हैं, जिससे आपका डोम का बेसिक शेप नज़र आए। और ये वाला प्रोसेस आपको एंड तक रिपीट करना है। ध्यान रहे कि आपका जो आप जो पीसेस चिपका रहे हो बाहर ना आ जाए, और आप चाहो तो आप बाहर की तरफ मार्किंग वगैरह कर सकते हो, जिससे आपका डोम का शेप चेंज ना हो जाए। एक बार इस तरह से होने के बाद बाहरी हिस्से पर आप टेक्सचर पेपर चिपका सकते हो या फिर आप पेंट कर सकते हो। पेंट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कार्डबोर्ड है उसकी वजह से जो है सुखड़ जाएगा। तो आप इसको टेक्सचर पेपर ही अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमारा बेसिक शेप रेडी हो चुका है डोम का। अभी हमको इसको कवर कर देना है। जो डोम का अंदर का हिस्सा है होल हो गया है। एक बार इस तरह से होने के बाद आपको इस तरह से कोन शेप में आपको पेपर काट लेना है और इसको बाहर की तरफ से कवरिंग करना है। तो ध्यान रहे कि आप अच्छे से इसको ग्लू करें और जहाँ पे आपने वो पीसेस लगाए उसी पे आप उस वाइट पेपर को चिपका दें। जॉइंट्स पे फिलहाल के लिए ध्यान मत दें, ताकि हम जॉइंट्स को बाद में देख लेंगे। उसके ऊपर से हम लोग फिर से वाइट पेपर चिपकाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको बेंड कर देना है या फिर फोल्ड कर देना है आपके पेपर को और आराम से लगा देना है। पेपर को बेंड करने से जो पेपर है वो आपके डोम के शेप को आराम से चिपक लेगा। और इस तरह से आपको सारा प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये जो हमने वाइट पेपर लगाया, ये फोटो पेपर है। अंदर की तरफ मैट रहता है और बाहर की तरफ जो शाइनिंग रहेगा। और इसका जो GSM है 280 GSM है। अगर आप ज़्यादा थिक वाला लगाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो 280 GSM का पेपर जो है बेस्ट रहेगा।
अगर आपका डोम का स्केल छोटा है तो आप इस तरह से होलो मत कीजिए, इसको आप सॉलिड बना सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जो भी शेप रहते हैं उसको हम लोग पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद जॉइंट्स पे हम लोग बाद में ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग जॉइंट्स को बाद में कवर कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस जो आपको कंप्लीट फॉलो करना है और रिपीट करना है एंड तक, जब तक कि आपका डोम का बेसिक शेप नज़र ना आए और पूरा कवर ना हो जाए। आपको कवरिंग करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप आराम से कवर करें, और इसको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर आराम से करोगे तो आपका डोम बेसिक शेप है वो एकदम फिनिशिंग के साथ दिखेगा। गड़बड़ी करके आप अगर चिपकाने देखोगे तो आपका डोम जो है सही से नहीं बनेगा। तो ये एक तरीका है डोम बनाने का, और पिछली बार मैंने एक तरीका बताया था वो उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस वाले तरीके में आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी। एक बार इस तरह से आप कर लेते हो तो बाद में आपको जॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है और जॉइंट्स को कवर कर देना है। एक बार सारे जॉइंट्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आप इस पे टेक्सचर पेपर अप्लाई कर सकते हो या फिर पेंट वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पेंट बिल्कुल भी, आप इस पे टेक्सचर पेपर अप्लाई कर सकते हो, स्टिकर पेपर। ये जो फोटो पेपर है बाहर का हिस्सा ग्लोजी है और अंदर का हिस्सा मैट है, और ग्लोजी सरफेस पे टेक्सचर पेपर या स्टिकर पेपर आराम से चिपक जाता है। तो हमारा बेसिक डोम का शेप रेडी है, अभी हम इसको टेक्सचर पेपर अप्लाई करने वाले हैं। टेक्सचर पेपर आप जैसे भी प्रेफर करोगे आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसको मेजर करना है कि कितना हिस्सा आएगा, उसके बाद आप इसको इस तरह से काट सकते हो। उसके बाद आपको कोन शेप में काट लेना है, तो एक एक करके नहीं काट सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर चाहिए, इससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, उसके लिए मैंने इस तरह से काटा है। आपको एक तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना है और बाहर के और नीचे का हिस्सा जो है छोटा रखना है, यानी कोन के शेप में काटना है, पतले पतले पीसेस काटना है ताकि आप आराम से जॉइंट्स वगैरह कवर कर सको। एक बार इस तरह का प्रोसेस होने के बाद आपको इस तरह से पीसेस मिल जाएंगे, उसके बाद आप इसको निकालना है और आराम से डोम के जॉइंट्स पे चिपका देना है। तो ध्यान रहेगा टेक्सचर पेपर आप पहले जॉइंट्स पे अप्लाई करें ताकि ज़्यादा फिनिशिंग आ जाता है। और इस तरह से आप आराम से चिपका दें, और ये वाला प्रोसेस हर जॉइंट्स पे पहले अप्लाई करें, उसके बाद बचे हुए हिस्से में आप कवर कर लें। आपको ये वाला प्रोसेस जो है रिपीट करना है जब तक कि आपका डोम कम्प्लीटली टेक्सचर से कवर ना हो जाता। टेक्सचर अप्लाई करने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में हो, उल्टा पलटा ना हो ताकि अनइवन ना दिखे। एक बार आप जॉइंट्स फिल करने के बाद आपको बची हुई जगह पे आपको इस तरह से टेक्सचर अप्लाई कर देना है। इस तरह के प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ काम लेना है और आराम से करना है। मुझे इस डोम को बनाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटा लगा था। एक बार आपका डोम बन जाने के बाद ऊपर की तरफ से आपको कैप लगाना है ताकि ऊपर का जो पॉइंट्स है जो अनइवन ना दिखे।
एक बार इस तरह से लगाने के बाद ऊपर का कैप बना सकते हो। कैप के लिए मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक का यूज़ किया है, और चॉपस्टिक के बदले आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। चॉपस्टिक को मैंने कार्विंग किया है ब्लेड से और कुछ इस तरह का शेप बनाया है। उसके बाद आपको अगर मून है तो मून को भी बना सकते हो और मून को चिपका देना है ऊपर के टॉप के पर। एक बार इस तरह चिपकाने के बाद आपका जो टॉप है वो रेडी हो गया। इसको आपको डोम के ऊपर आराम से चिपका देना है। सो गाइस, ये हो गया आपका डोम रेडी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not the one who's running out of time.